फ्रेंड्स वेलकम बैक तो भाई न्यूज़ है कैन इंडिया फेस नेक्स्ट बिग अर्थक्वेक लाइक टर्की एंड सीरिया डच साइंटिस्ट प्रोडिक्शन डिपेंड करता है अगर आप देखिए सिचुएशन है और हमारे साइंटिस्ट एक से एक बढ़कर हैं जो आपको बता देंगे पहले से ही चलो देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं भगवान करे ऐसा कभी ना हो तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और तक नहीं किया, तो जल्दी आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज एंड शेयर चलिए शुरू करते है तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में मैं हूं आपका तो दोस्त तो एजुकेटर पांच सिंह तो आज हम बात करने वाले इस आ, मुद्दे के बारे में मुद्दा वेल क्या है कि आप देखिए टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है पंद्रह हजार से ज्यादा डेथ्स हो चुके हैं और भारत ने भी आप जानते होंगे कि रिलीफ मटीरियल पहुंचवाया है ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत और चौथा पांचवा प्लेन चला गया है अब बाई मॉर्निंग और बट वो सब चीजें अगर हम देखें तो भारत पूरी जितनी कोशिश हो सकती है संभव वो पूरी कोशिश कर रहा है राहत मटेरियल पहुंचाने के लिए टू uh, टर्की स्पेशली इन द फैक्ट अगर आप देखें कि इर्दोगान साहब के साथ हमारे अच्छे नहीं है नहीं। लेकिन उसके बावजूद एक जो कॉज ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि टर्की का जो अर्थक्वेक आया है टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक या भूकंप आया है उसके बाद एक प्रिडिक्शन आया है कि इतना जबरदस्त अर्थक्वेक हिमालयन बेल्ट और इंडिया में भी आ सकता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय बन गया है क्योंकि एक डच साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है और वो डच साइंटिस्ट ने ये अर्थक्वेक आने के पहले जो सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया उसके जस्ट कुछ दिनों पहले ये चीज प्रिडिक्ट करी थी तो अभी इसको लेके काफी ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं पैनिक मोड क्रिएट हो गया सो so, जो टर्की और सीरिया का जो अर्थक्वेक है उसका टोल वॉज अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी थ्री एज ऑफ टूडे मॉर्निंग एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना मैसिव लेवल पे ये फॉल्ट जो आया है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है जो जो हाँ, हैं और जो भी रिलीफ मटेरियल्स है वो आपका करने में और रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में बड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं क्योंकि वाइल दिस रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन उसके बीच बीच में भी अर्थक्वेक आता चला जा रहा है तो अभी आप देखेंगे टर्की पहुंची और जो सिक्स प्लेन है उसमें रेस्क्यू पर्सनल के साथ साथ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट पर अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट्स जो है ये पहुंचे हैं ऐसा डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है एंड उसके अलावा आप देखेंगे जो अगली जो फ्लाइट जाएगी उसमें अडिशनली अगर आप देखेंगे डॉग स्कॉस के साथ साथ एसेंशियल मेडिसिन भी भारत पहुंचा रहा है तो आप जानते हैं कि गजियान टैप करके जो टर्किश एट द बॉर्डर ऑफ सीरिया एंड टर्की वहां पे पहला अर्थक्वेक आया था जो कि था 7.8 मैग्नीट्यूड का सुबह चार बज के सत्रह मिनट तड़के सुबह आया था जब सब लोग सो रहे थे और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो लोग वहां भाग आए जैसी भी कंडीशन थी बाहर निकल आए और आधे लोग तो वहां ठंड की वजह से भी जो है मारे गए हैं एंड ये जो अर्थक्वेक था इसकी डेप्थ थी अगर आप देखेंगे क्रस्ट में अट्ठारह किलोमीटर नीचे एंड ये जो एरिया अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट पॉपुलेटेड सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है इस एरिया की दो मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इस वजह से भी क्योंकि काफ़ी क्लोजली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था कि वो इस तरीके के क्वेक के जो अर्थवेक है उसके मैग्नीट्यूड को ये हैंडल कर पाता इस वजह से डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ है और इसके बाद जैसा कि आप जानते है, back to back, back to back, हैं बैक टू बैक बैक टू बैक चार अर्थवेक्स आए हैं जिसमें आप देखेंगे सेवन पॉइंट फाइव मैगनीट्यूड का आया है उसके बाद देर आर मेनी अदर आफ्टर शॉक्स और जैसा मैंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में डिफ़िकल्टी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि वाइल्ड यूर रेस्क्यूइंग उसमें भी चांस होता है कि जो रेस्क्यू टीम है वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट ना हो जाए एंड मेजर सेक्शन ऑफ देखेंगे सिटीज ऑफ टर्की एंड सीरिया अगर आप देखेंगे दे हैव बीन ड्रावेज बाई दिस मैसेवर को जैसा मैंने बताया फ्रेंक करके एक डच रिसर्चर हैं और इन्होंने कुछ दिनों पहले ये प्रिडिक्ट किया था ट्विटर पे इनफैक्ट इन्होंने वीडियो भी शेयर किया था जो आप कह सकते हैं तुक्का भी हो सकता है बट mm. उन्होंने बोला है, बात सच हो गई है सो so, दिन जस तीन दिन जस्ट पहले बिफोर इन्होंने mm. ये प्रिडिक्ट किया था कि सून mm. और लेटर देर विल बी अवन पॉइंट फाइव मैग्निटूड ऑफ अर्थक्वेक इन दिस रीजन ऑफ साउथ सेंट्रल टर्की जॉर्डन सीरिया एंड सीरियान एंड इन्होंने जो बात बोली है कि भारत में भी ऐसा एक अर्थक्वेक आ सकता है स्पेशली अराउंड द हिमालयन बेल्ट जहां इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास अगर आप देखेंगे हिमालयन फॉल्ट है और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया है तो इसी को लेके अगर आप देखेंगे इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वो भी अब थोड़े एक यू नो चिंता का विषय बन गया उनके लिए क्योंकि ये जो होगर बीट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और, फॉर सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे जो है Netherlands में काम करते हैं और इन्होंने बताया कि ये जो एरिया है अराउंड इंडियन प्लेट जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रही है ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप देखेंगे ऐसा एरिया है जहां पे सबडक्शन तो हो रहा है प्लेट नीचे जा रही है और यहां पे मल्टीपल फॉल्ट हैं स्पेशली इन द हिमालयन रीजन जो प्रोन बनाते हैं रिगार्डिंग दी द दीजनिक एरिया अगर आप देखेंगे सेवन सेवन पॉइंट फाइव मैग्नीट्यूड से अबव अर्थ को एक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे स्पेशली अराउंड दिस हिमालयन बेल्ट और जैसा आप जानते हैं इंडिया है। का जो पोर्शन है वो गोंडवाना लैंड से कनेक्टेड था 60 मिलियन साल पहले ठीक है अराउंड जब ये लगभग 100 मिलियन साल पहले मूव करना चालू हुआ और यूरेशियन प्लेट से टकराया तो गुजरात के आसपास बहुत बड़ा फॉल्ट डेवलप हो गया और उसके साथ साथ जहां हिमालय बने हैं उसके नीचे टेथिस सी के आसपास बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं तो अब इस प्रोडिक्शन के बाद कुछ लोगों ने बोला कि ये तुक्का है ठीक है जो डच एक्सपर्ट थे उनके प्रोडिक्शन के बाद लोगों ने बोला ये साइंस है बस मतलब एक तरीके से फ्लूक लग गया है तो इसलिए काफी सारे लोग जो है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं बट काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं नहीं, तो कोई दिस 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 नहीं है, है क्योंकि आज तक कर कर इतना पिन पॉइंट प्रिडिक कर लेना किसी अर्थक्वेक के बारे में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अर्थ के अंदर की एनर्जी जो क्रस्ट या जो क्रिस्टल फ्रेगमेंट है या जो 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 टकराते हैं या फॉल्ट या फ्रैक्चर से जो उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते सो इसके अलावा एक देखेंगे अनदर में सेली एक्सपर्ट एंड माइंड जो साइंस एंड अर्थक्स इन्होंने भी बोला है बोला था इनफैक्ट डेली सभा इन दिसंबर 2022 में कि एक बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आने वाला है टर्की में कि मरमारा रीजन जो है सी ऑफ मरमारा है वहां पे एंड जो नेशन का मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिस है इस्तानबुल तो वो वहां पे आप देखेंगे वो अफेक्ट होगा इससे एंड प्रोबेबली शॉर्टली स्ट्राइक द एजेंसी सो सी ऑफ मरमारा एंड एजेंसी के बीच में आप देखेंगे ये

और सबसे सिग्निफिकेंट प्रोग्राम भी जो है आपका डेडिकेटेडली फोकस है विलियम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए वो भी आपका चल रहा है तो इन सबके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं लीप कोड लाइव और जैसे ही आप लगाएंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एंड राइट सो लेट्स टॉक अबाउट की इंडिया में क्या चल रहा है और क्या hmm. ये जो बोल रहे हैं कितना हद तक पॉसिबिलिटी है hmm. कितने परसेंटेज चांसेस है उसके सही होने के yeah, बल हम दुआ करते हैं प्रेयर करते हैं कि uh, uh, ऐसा yeah, ना हो आपको ये पता है कि ये जो एरिया है दिस एरिया इज ओन टू दिस काइंड ऑफवे स्पेशली अगर आप देखेंगे जो इंडियन प्लेट यूरेशन प्लेट से टकरी है तो यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड

क्योंकि तो गुजरात में अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फॉल्ट डेवलप हुआ है जब इंडियन प्लेट ये जब टकराई थी पहले वेस्टर्न पोर्शन टकराया था यूरेशियन पोर्शन से तो वहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा रिफ्ट वैली और ये अल्लाबंद फॉल्ट और कच्छ मेन लैंड जो फॉल्ट है यहीं पे आप देखेंगे जो भुज का ज़बरदस्त अल्पवेक आया था, था दो हज़ार जिससे काफ़ी ज़्यादा हताहत हुए थे वहां के लोग ये उसी जगह में आया था इनफैक्ट नेपाल में भी रिसेंटली बहुत बड़ा अर्थक्वेक अर्थक् सिक्किम में आता रहता है नॉर्थ ईस्ट में आता रहता है क्योंकि ये सारा अर्थक्वेक जोन जो है ये प्लेट जहां दोनों टकरा रही हैं दोनों प्लेट भी collision भी बना दो यार, नहीं है बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट बन जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर जहां से जो वो एनर्जी बिल्डअप हो रही होती है वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक तो अभी जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है उसका क्या कारण है उसका कारण ये है कि एक टेंशन बढ़ रही है तो प्लेट कंटिन्यूअसली जाके वो टकरा रही है इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और दोनों एक तरीके की लॉक पोजीशन में आ गए ना ये इधर इसको दबा पा रही है ना इसको दबा पा रही तो जब ये बिल्डिंग टेंशन सडनली रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉल्ट या फ्रैक्चर कहीं पर जब डैमेज हो जाएगा डेवलप हो जाएगा वहां से ये एनर्जी सडनली रिलीज करेगी और वो अर्थक्वेक के फॉर्म में आएंगे तो अगर आप देखें मैपिंग की गई है पूरा जितने जबरदस्त अर्थक्वेक आए हुए हैं इस रीजन में और अगर उसकी आप मैपिंग देखेंगे तो समझ सकते हैं कि जो प्लेट मूव कर रही है टेंशन बिल्ड करती रहती है और इस टेंशन बिल्ड होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपके बड़े अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं राइट सो दोस्तों ये था आज का वीडियो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा और ज्योग्राफी के आपके बारे में थोड़ा जो प्लेट उसके के बारे में थोड़ा आपको और आइडिया लगा इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा

और मुझे याद है कि ऐसे पंखे ऐसे हिल रहे थे सब कुछ हिल रहा था पहली बार जिंदगी में कौन से की बात एक्जैक्टली <coughs> exactly याद नहीं मगर मैं स्कूल में था और पहली बार जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि सब कुछ ऐसा हिलता है और ऊपर से पंखे भी हिल रहे होते हैं ऐसे हिल रहा होता है ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है मत आप जैसे किसी ट्रेन में बैठे हो ट्रेन उलट रही ऐसे कर रही है और उसके बाद इमिजिएटली पेरेंट्स ने बोला नीचे भागो और सबके सब सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा सीढ़ों से भागते हुए भागते हुए नीचे पूरे ग्राउंड में आके खड़े हो गए थे कि रूल गई था सभी लोग भाग के ग्राउंड में आ गए थे थैंकफुली कोई बिल्डिंग वगैरह टूटी नहीं कुछ नहीं हुआ उसके बाद जब ख़त्म हो गया आधे घंटे में तब तो लोगों ने बोला चलो वापस जाएँ तो बट इट वॉज रियल मतलब पूरा हिल रहा था वो मैंने देखा था बहुत ही स्केरी होता है और सभी लोग भाग रहे थे पूरे स्टेयरवेल में जाम हो रहा था मगर फिर भी लोगों ने पैनिक नहीं था फटाफट से भाग भाग के धड़ धड़ अरे भाग के मैं सोचूं जाएंगे कहा हर जगह तो बिल्डिंग है नहीं, बिल्डिंग्स। हमारे केस में क्या था उन बिल्डिंगों के बीच में एक बहुत बड़ा पार्क था मैं तो अपने घर का सोच सब लोग बिल्डिंगों से उतर के पार्क में आ गए थे क्योंकि पार्क में भी जो बिल्डिंगे टूटेंगी तो पार्क में ही गिरेंगी हम हमारा काफी बड़ा पार्क था मुझे भी याद है हमारे घर क्लोज बट पार्क काफी बड़ा था इट इज ओके पर मैं तो देख रही हूं भाई तो बहुत ही आई होप ऐसा कुछ ना हो पर यू नेवर नो और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आई होप कोई वो तो जो दिल्ली में काफी समय से रह रहा है उसने शायद विटनेस भी किया होगा ये होता है दिल्ली में और हमेशा डर लगा रहता है बट होप ये था कितने साल बाद ऐसी बिल्डिंग्स बन जाए जो अर्थ को एक रेजिस्टेंट तो हो तो कुछ भी नहीं जब जापान कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता कुछ भी नहीं किया अब हम तो जापैन भी, भी अर्थ को एक प्रोन एरिया है वो लोग कर सकते हैं तो मेरे आई एम प्रीटी श्योर और घर एक के साथ एक के साथ एक चिपके में कोई ओपन एरिया भी नहीं कि कोई जाके जहाँ पे पता हो कि भैया अगर अर्थ को एक आया तो एटलीस्ट बिल्डिंग एक गिर के तुम्हारे ऊपर तो नहीं आजकल वो प्रॉब्लम है कि अगर आप उतर के जाएंगे रोड पे रोड घर वो दोनों वो वही गिर रहे होंगे बहुत ही वही घर के पास तो पार्क है तो वहां जा सकते हैं पर वो तो दो घरों के बीच में पार्क है भैया हमारा ठीक है मगर पार्क है थोड़ा ऐसे बिल्कुल नहीं आ है तो मेरे ख्याल से नो आई नो आइडिया तो चलो भैया फ्रेंड्स आप भी अपने बताना आपको क्या लग रहा है चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए